तो भैया आज ना पूरा लखनऊ बदला बदला लग रहा है आपको मैं बताऊं तो। देखो यहाँ मथुरा रंगोत्सव गोरखपुर पूरा दीवार सजी हुई है, साइड पूरी दीवार सजी हुई है। कहाँ जा रही है घूमने के लिए? नहीं पता बनते हैं कि सुबह सुबह तैयार तो होगी तुम तो घूमने चल रहे हैं बोला तो तू तैयार तो नहीं। अच्छा तो फिलहाल हम लोग अपनी लिफ्ट के अंदर हैं, अभी बाहर का मौसम दिखाता हूँ कैसा है। खुलता समसेम गुर्र। तो मॉर्निंग में उजाला हो गया लेकिन यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है। कई दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था तो सोचा कि आज अपने घोड़े पे वापस बैठा जाए। ये बहुत दिन से बाइक ही नहीं चलाई है, कुछ दिन बाद कहीं बाइक चलाना ना भूल जाऊँ, कभी कभी ऐसा भी लगता है। मौसम है बहुत ठंडा, बाइक सर्विस। चलिए मिलते हैं ऑन द हाईवे, फिर आपको बताता हूँ डिटेल। तो मॉर्निंग में लखनऊ का हाईवे पूरा मिल गया खाली। एक्चुअली क्या था कि संडे था तो संडे की राइड को मैंने सोचा कि संडे की राइड को थोड़ा खूबसूरत बनाया जाए। लखनऊ में जब अभी ये फरवरी और अक्टूबर का और मार्च का टाइम होता ना तो यहाँ घूमने के लिए वे बहुत अच्छा लखनऊ। बाकी टाइम तो गर्मी रहती है लेकिन इस टाइम पे आप लखनऊ घूमोगे तो आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं आज बहुत दिन बाद बाइक चला रहा हूँ तो बाइक चलाने की वजह से निहारिका फूल लाना भूल गई ना। एक्चुअली हमको फूल विसर्जन करने थे यहाँ नहर पे तो निहार का फूल लाना भूल गई। तो अभी ये शिवरात्रि आने वाली थी, शिवरात्रि के ऊपर देखो कांवड़ वाले जा रहे हैं रोड के किनारे। और यहाँ पे लगता है आपका एक ट्रैफिक लखनऊ में जोन, यहाँ पर से सीधे आपको चलान कट जाएगा अगर सीट बेल्ट पहन के नहीं आओगे। क्योंकि मैं और दिन रोज़ यहाँ पर से गुजरता हूँ तो कार से गुजरता हूँ तो ऑफिस को जाते वक्त तो यहाँ पर बहुत चलान कटते हैं। तो ये है ऊपर किसान पथ। अभी ये बोल रहे हैं कि नवंबर तक ये रिंग रोड पूरा बन जाएगा, नवंबर तक रिंग रोड पूरा बन जाएगा। तो ये करीब 104 किलोमीटर का है लखनऊ के चारों ओर, और इससे सारे एक्सप्रेसवे जितने लखनऊ में के चारों ओर एक्सप्रेसवे हैं सारे के सारे कनेक्ट होंगे इस किसान पथ से। अभी नवंबर में बनेगा, पता नहीं कब बनेगा वो तो देखा जाएगा। जिन बनेगा तो उस दिन 104 किलोमीटर का सर्किल भी मार के देखेंगे बाइक से ही। तो फिलहाल हम लोग का था मूड आपका लखनऊ निहारी का, और मैंने देखा नहीं था क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर देखने का मूड था तो इसलिए हमने कहा चलो आज बाइक से निकलते हैं। और थोड़ा लखनऊ में क्या है ना, आजकल G20 समिट चल रहा है और इन्वेस्टर समिट चल रहा है, तो दो चीज़ों की वजह से लखनऊ में है ट्रैफिक बहुत हैवी और बहुत सारी रोड पर क्लोज है। तो हमने कहा कि चलो कार से नहीं तो बाइक से जाया जाए, वरना मम्मी पापा लोग को भी साथ में लेके आते। तो फिलहाल सुबह सुबह निकले हैं तो अभी ना अभी सुबह के मॉर्निंग के करीब 7:15 बजे हुए हैं। तो हम लोग का टारगेट है कि हम 2 घंटे में राइड करके वापस आ जाएं। तो ये है सामने पलटनिक चौराहा, जो फ्लाईओवर ऊपर को गया वो चला गया डायरेक्ट सीतापुर को। अगर आपको जैसे फैजाबाद रोड से सीतापुर जाना है तो आप सीधे डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं। तो यहाँ से अंदर जाओगे तो आप पहुँच जाओगे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास में। तो इसके नीचे है पलटनिक चौराहा, सबसे पास रेलवे स्टेशन हमारे लिए मतलब मेट्रो स्टेशन ये इंदिरा नगर हमारे से पहले पास ही पड़ता है। अभी मैं यहाँ से अगर राइट लेफ्ट जाऊँगा तो मैं सीधे लोहिया पथ की ओर जाऊँगा। पहले फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ सामने, देखिए ये फ्लाईओवर भी उधर सीतापुर रोड पे जाके मिला और ये चला गया उधर आपके लोहिया पथ में। यहाँ से आप चार बागर बाग जा सकते हो। ये अगर आपको मीनाबाद जाना है तो ये वाला रास्ता आप पकड़ लोगे मेट्रो की लाइन वाला। नीचे ये है इंदिरा नगर का मेट्रो स्टेशन। लखनऊ की मेट्रो और दिल्ली की मेट्रो में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लखनऊ की मेट्रो काफ़ी छोटी भी है और यहाँ भीड़ भड़ी कम होती है, आराम से सीट मिल जाती है, लेकिन दिल्ली की मेट्रो में वो नहीं है क्योंकि यहाँ का नीचे वाला जो ट्रांसपोर्ट है ना वो मेट्रो सस्ता पड़ता है। तो सब लोग ज़्यादातर यूज करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो और बस वाला। तो ये इंदिरा नगर है, इसके बाद भूतनाथ मार्केट आएगी जो यहाँ पर लोकल गोमती नगर है, इंदिरा नगर सब लोग का अच्छा मार्केट है भूतनाथ। उसके बाद लेखराज, इसके बाद विश्वविद्यालय। तो ऐसा
है इसमें। तो निहारिका आज तक अभी मेट्रो में बैठी नहीं है, मैं तो दिल्ली मेट्रो में गया हूँ लेकिन निहारिका आज तक नहीं बैठी है, कई बार बोल चुकी है। अब किसी दिन इसको भी मेट्रो में बैठाने के लिए ऑटो से आना पड़ेगा। ये है HAL, देखिए आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, निहारिका कह रही है मेरे को पता है, उसे क्या बोलूँ कि मैं यहाँ कैमरे में बात कर रहा हूँ। तो देखो हम लोग पहुँच गए हैं पुराने लखनऊ, सामने है KGMU मतलब किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। तो इधर KGMU पड़ जाता है, इस साइड को जाओगे तो सीधे हजरतगंज आप निकल जाओगे, लखनऊ रेसिडेंसी भी निकल जाओगे। लखनऊ रेसिडेंसी भी काफ़ी खूबसूरत है। तो देखिए आप ये यहाँ पर लगा हुआ है ना, महायोगी तपोभूमि गोरखपुर, G20 सम्मेलन गोरखपुर में भी है, यानी कि वो यहाँ पर चार सिटी में हो रहा शायद, और तो उनमें से मोदी जी और योगी जी की दोनों की फ़ोटो लगी हुई है। तो यहाँ पर है बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, दोनों के दोनों यहीं है पुराने लखनऊ में, और उसी के साथ है रूमी दरवाज़ा। देखो ऊपर से ट्रेन जा रही है फर्स्ट क्लास, और हम उस ट्रेन के नीचे से जाएंगे। तभी तो मैंने गूगल मैप नहीं लगाया था, एक्चुअली मेरे को उधर का रास्ता नहीं पता। और डायरेक्ट आप निकलोगे तो आप सीधे हरदे निकालोगे। यह है अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, आगे घंटाघर 2 किलोमीटर। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं घंटाघर, क्योंकि हमने ये क्लॉक टावर देखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने बीच में 2-3 फ़ोटो देखी इंस्टाग्राम में लोगों की, तो मेरे को लगा कि यार ये काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अभी मॉर्निंग में गोमती नदी से अगर ये सनराइज़ देखते तो काफ़ी अच्छा लगता है। चलो कभी और दिखाऊँगा, लेकिन आज फिलहाल हम लोग को जाना है घंटाघर। थोड़ा वैलेंटाइन वीक भी चला था, मैंने कहा था निहारिका का थोड़ा घुमा दिया जाए। ये वैसे काफ़ी पुराना लखनऊ काफ़ी बदल गया, बीच में मतलब इतना अच्छा नहीं था, आजकल देखो रोड भी चमक गई है, चारों झंडे हुए लगे हुए हैं हर जगह, G20 सम्मेलन के चक्कर में वसुधैव कुटुंबकम करके वो लगा हुआ है। वाह मज़ा आ गया, काफ़ी खूबसूरत लगा। अब देखिए यहाँ चौक इधर को जाएंगे, देखो यहाँ पर एक खड़खड़ा भी रखा हुआ है, परसों मैंने किसी के फेसबुक वीडियो में देखा हुआ था, मतलब तांगा जो तांगा बोलते हैं वही, उसको मतलब वो असली नहीं है, डुप्लीकेट है। देखो बड़ा इमामबाड़ा 400 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। उधर को महिलाबाद भी आप जा सकते हो इधर के रास्ते। तो हम लोग गलत घूम गए रास्ता, तो हमको गाड़ी घुमानी पड़ेगी इस साइड को, बड़ा इमामबाड़ा की ओर को। क्योंकि सर्किल में एकदम से पता नहीं चलता कि हम लोग किधर पे चल रहे हैं। अब ये रास्ता सही आ गया। तो आप देखिए ना यहाँ पे, ये सामने है रूमी दरवाज़ा, इसे पता नहीं क्यों कवर कर दिया, या इसका आजकल इसको सजा सुजुर रहे हैं या तो ऐसा कुछ। ये है पूरा बड़ा इमामबाड़ा, आप देखो, हाँ देखो ये को कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर से, ये पूरा बड़ा इमामबाड़ा है। अभी कुछ देर बाद खुल जाएगा 8 बजे तक, यहाँ पर लिखा है आई लव लखनऊ। इधर देखिए खूबसूरत सा ये बनाया हुआ है पार्क। अभी पहले क्या था कि इस रूमी दरवाजे के अंदर से लोग गुजर के निकलते थे, आज वो रास्ता शायद अब बंद कर दिया गया लोगों के लिए। अब इस पार्क के किनारे से आप जा सकते हैं, हम लोग को भी इस पार्क के किनारे आके गाड़ी लगाएंगे, पहले हम लोग को जाना है घंटाघर, तो हम लोग को पहले घंटाघर ही जाना है। देखिए इसे गूगल मैप भी बोला कि तुम राइट साइड जा रहे हो, क्योंकि उन्हें क्या मालूम कि इधर रूमी दरवाज़ा का रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो जब ये रिनोवेशन सही ढंग से हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत भी थी इसको रिनोवेशन करने की। सुबह सुबह सारे इंस्टाग्राम के रील्स वाले सब लोग यहाँ ज़रूर आ जाते हैं रूमी दरवाज़ा में, आपको बहुत ब्लॉगर मिलेंगे मेरी तरह। तो वो है देखिए क्लॉक टावर सामने, ये तो मैं आपको बोला था ना सनराइज़ आएगा, सनराइज़ हम लोग कुछ देर पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन सनराइज़ गोमती नदी के किनारे से ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, यहाँ से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सनराइज़ हो रहा है, सामने उधर रूमी दादा का कसन चल रहा है, यहाँ निहारिका की हालत ख़राब है ठंड की वजह से, मैंने इससे बोला था कि अपना एक हेलमेट पहन लो या सर पर कुछ बांध लो, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी, और अभी बोलिए ठंड से ठिठुर रही है, बोले ठंडा हो गया। वो तो जैकेट हमने पहना दी, वरना ये हीरोइन बन के आने वाली थी यहाँ बैठ के, उसे मालूम नहीं बाइक का ठंडा और कार में फर्क है। और सामने है क्लॉक टावर, आप नीचे देख सकते हैं, नीचे खेल रहे हैं लोग क्रिकेट, मैं अमूमन हर जगह क्रिकेट चल ही रहा है यहाँ पर फिलहाल। तो निहारिका में बैठे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा सीन है, देखो पीछे।
पीछे हमारे पीछे ठीक पीछे देखिए क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर से हम यहाँ पर आगे साइड से बावड़ी बोलते हैं या कुछ, मेरे को उसका नाम नहीं मालूम, उधर कहीं पे लिखा हुआ, अभी जाके देखता हूँ क्या नाम लिखा हुआ है, लेकिन सीन अच्छा है। पीछे बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। तो कैसा लगा तुमको सुबह सुबह? लेकिन हर कुल्फी जो जमकी तुम्हारी साथ आज ना, कल कल तक तुमको मुझे लगता है जुकाम लगेगा। तो ये सामने वाला दिखाता हूँ नज़ारा, बड़ा अच्छा लगा। शाम के टाइम पे आपको कुछ मतलब शो भी होता होगा, फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं ना। तो मैं आपको जो बोला था, देखिए सामने वाला नज़ारा है कुछ ऐसा, यहाँ इसे पूरे स्टेप स्टेप हैं ऐसे, और बीच में ऐसे वाटर है और उससे फाउंटेन आएंगे उस साइड पे। यह है पूरा हुसैनाबाद क्लॉक टावर के ठीक। तो यह है हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक, मतलब एक ये इमामबाड़े के सामने बिल्कुल यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा कि इस हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक पे आप क्या क्या घूम सकते हैं। पैदल पैदल पक्का पुल, टीले वाली मस्जिद, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, गोमती नदी, हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक, ये है घंटाघर, हुसैनाबाद बारादरी, संतखंडा, छोटा इमामबाड़ा और जामा मस्जिद। तो इतना आप घूम सकते हैं। ये रूमी दरवाजा है सामने, इधर है बड़ा इमामबाड़ा। तो निहारिका कैसा लग रहा है इधर आके? सुबह सुबह का मौसम बड़ा अच्छा है, उससे सनराइज हो रही है, थोड़ा ठंडा है, अब हल्की हल्की धूप आने लगी है और बहुत सारे देखो डॉगी आसपास घूमने में लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 इतने सारे डॉगी आ गए, 5 6 डॉगी। और यहाँ पर लिखा है वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो पूरा जो धरा है वो हमारा परिवार है, इसका अर्थ यह है वसुधैव कुटुम्बकम। तो लखनऊ की जो हेरिटेज थी ये रूमी दरवाजा, आज का इसका रिनोवेशन चल रहा है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इसका रिनोवेशन चल रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग की बहुत हालत खस्ती थी वैसे। तो सामने आप देखिए, सामने इमामबाड़ा है, वो काफ़ी खूबसूरत है, पूरा पेंटेड हो गया उस पर, वो अंदर तक पूरा आपको देखो भूल भुलैया उस साइड में है, मतलब ये भूल भुलैया है, ये मेन फ्रंट डोर है। तो यहाँ पर आप लोग आके सवारी कर सकते हो टांगे की, इधर पे भी आके इधर टांगे की सवारी आपको मिल जाएगी, ऐसा यहाँ का है। सामने एक बगीचा है बड़ा खूबसूरत, उसमें बहुत से फूल लगे हुए हैं। तो ये है पुराना लखनऊ, इमामबाड़ा के अंदर आप घूम सकते हो, छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा दोनों। जबकि आजकल यहाँ फोटोशूट बहुत ज़्यादा चलने लगा, क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग है ना, इसकी वजह से। सस्ते फूल खरीदने हैं तो आप इधर से सस्ते फूल भी खरीद सकते हैं। पूरा सामने मार्केट है फूल का, यहाँ पे फूल मिलकर किलो के हाथ में मिलता है। अगर आपको ऐसे कबूतर खरीदने का सोना पड़े, आपको आना है ये रास्ता हैसबाग की ओर चला गया ऊपर वाला, तो यहाँ आपको देखो फूल आपको बिल्कुल बहुत सस्ते मिलेंगे फूल। अगर आपको फूल खरीदने हैं तो आप यहाँ से फूल खरीद सकते हैं। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है, अगर आपको कबूतर वगैरह खरीदने हैं पैट ऐसे, तो ये देखो सामने पिज्जे में भाई साहब लेके जा रहे हैं ना, तो ये कबूतर भी बिकने के लिए आए हुए हैं। तो भैया आज ना पूरा लखनऊ बदला बदला लग रहा है, आपको मैं बताऊं तो देखो यहाँ मथुरा, रंगोत्सव, गोरखपुर, पूरा दीवार सजी हुई है, साइड पूरी दीवार सजी हुई है। अगर आपको लगेगा कि आप लखनऊ में हैं तो कभी कभी आपको यकीन भी नहीं होगा कि हम लखनऊ में, मतलब जो जहाँ जहाँ पे फूल नहीं थे वहाँ वहाँ फूल लगे हुए। देखिए आपने ये पीछे पेड़ देखे थे, ये पेड़ कहीं नहीं थे बीच में, क्योंकि मैं इससे मतलब करीब 3-4 महीने पहले गुजरा था इसी रास्ते, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। तो आज यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और पार्क देखो, सारे पार्क कलर हो गए भाई, इतने प्यारे प्यारे लगने लगे पार्क के बीच में। पार्क पता नहीं ज़्यादा पार्क भी है कि नहीं, ये मतलब शहीद पार्क है वाला, शहीद स्मारक वाला। और सामने आ दीवार देखो, आप देखो पूरी पतंग से देखो पूरी वो बनाई हुई है। देखो इंडिया का कल्चर को मतलब ऐसे कूट कूट के भर दिया गया है ना इसके अंदर। देखो G20 सम्मेलन लिखा हुआ है, वो लखनऊ रेसिडेंसी है जो मैं आपको पहले बता रहा था, उसके बाहर भी तक खूबसूरत है। वाह मज़ा आ गया। लखनऊ को टूरिज्म में अगर डेवलप करना चाहें तो कोई, तो अगर ऐसे जैसा आज है लखनऊ वैसा अगर हमेशा रहे तो देखो आप टूरिज्म में नंबर अव्वल हो जाएगा बिल्कुल एकदम से। हम लोग घूम रहे थे पुराने लखनऊ में, अब हम आ गए नए लखनऊ में। तो ये है गोमती नगर 1090 चौराहा, सामने देखो बैलून लगा हुआ है आज, तो थोड़ा अलग फीलिंग आ रही है आज लखनऊ को देख के, लग रहा है कि यहाँ लखनऊ पूरा बदल गया है। अभी आप देख रहे हो ना इस वाले पे भी देखो कितने सारे गमले रखे हुए, 1090 चौराहा है लखनऊ का। ये देखो कल तक यहाँ पे एक पेड़ नहीं थे है ना, आज यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है। देखिए कितने सारे पेड़ हैं, फूल के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।
ये हमेशा रहे तो अलग बात है, कल को कहीं उठ के चले जाएंगे तो फिर आपको भी बुरा लगेगा और मुझे भी। लग रहा है कि यहाँ लखनऊ में G20 समिट है। अभी आप देखो ना लखनऊ की सड़कें देखो, क्योंकि नीट एंड क्लीन है। नीचे गोमती नगर नदी बह रही है, सामने एक और बैलून आपको दिखाई दे रहा है, और लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग उधर, तो काफ़ी खूबसूरत है। और सुबह सुबह तो आजकल घूमने का मज़ा ही कुछ और है। मंकी भी घूम रहा है, देखो मंकी भी मज़े ले रहा है पुल में आराम से बैठ के। अभी और थोड़ा ज़्यादा देखते हैं लखनऊ का। थोड़ा यहाँ गाड़ी बड़ी सावधानी चलानी पड़ती है, क्योंकि कभी कौन कहाँ से किस साइड का कौन से कहाँ से कोई आ रहा है ये पता नहीं चलता लखनऊ में, और कौन बंदा किधर गाड़ी मोड़ेगा ये भी पता नहीं चलता है। ये देखिए फोक करके ना दिया है यहाँ पर, कब तक गाना आने बजते हो। हाँ, और ये देखिए ये कल तक यहाँ फूल नहीं लगे थे, मैंने कभी फूल लगे हुए नहीं देखे, लेकिन अभी यहाँ पर देखो इतने सारे फूल लगे हुए हैं ना, बहुत हद से ज़्यादा। अभी रेड लाइट लग गई है, रेड लाइट तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ रेड लाइट लोग तोड़ते हैं। अब हम लोग को 15 सेकंड वेट करना पड़ेगा, रेड लाइट लगी है ना। देखो यहाँ पे देखो आप फूल, ये इतने सारे फूल यहाँ पे लगे हुए हैं, 6-7, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पर रेड लाइट तोड़ ही देते हैं, मैं जब भी देखता हूँ ना। तो अभी अपना आया निकलने का, तो ये है खूबसूरती लखनऊ की। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। रजवाड़ा है तो ये देखिए, अयोध्या यहाँ से 119 किलोमीटर है, तो हम लोग जहाँ से निकले थे वहीं वापस आ गए हैं। देखो रास्ते के किनारे कांवड़ वाले जा रहे हैं पूरा। अभी क्या है कि सुबह हम निकले थे करीब आपके 7:15 बजे और अभी हो गए हैं 9, यानी कि हम 2 घंटे में आधा लखनऊ मतलब एक साइड का एरिया पूरा घूम के भी आके, अभी नियारी का ठंडा लग गया था तो हमने चाय भी शर्मा जी की दुकान में नहीं, कहीं ऐसी लोकल शॉप पे BBD के पास में चाय पी। तो ये थी लखनऊ की एक सुबह, और पतला लखनऊ आज का। किनारे कांवड़ वाले जा रहे हैं फिलहाल, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आधी ब्लॉग के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।